नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। बात करेंगे देश की, तो देश में लाखों बच्चे इस बार एग्जाम को फेस करेंगे, यानी टेंथ और ट्वेल्थ की बात हो रही है, बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम को फेस करेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी बार अटेंड करेंगे। बात आती है बच्चों के स्ट्रेस की, क्या आपके ऊपर प्रेशर है, या फिर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम किस पार्ट में वीक हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे किन मुद्दों पर इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम के समय क्या करें या क्या ना करें। दूसरा पॉइंट हमारा है कि कैसे कॉपी को लिखें, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका हम जवाब कैसे लिखें, पेन का चुनाव कैसे करना है, नंबर प्राप्त करने के लिए वेस्ट मेथड क्या रहेंगे, और चौथा पॉइंट यह है कि अगर आपके कुछ टिप्स अगर जान लेते हैं एग्जाम के पहले तो कुछ बेहतर कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यहां पर पहले पॉइंट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा, देश का हर बच्चा यहां पर स्ट्रेस नहीं लेगा, पहली बात। बात करते हैं सबसे पहले तीन पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं। फर्स्टली की अगर हम बात करें कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, यदि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, भैया कुछ नया नहीं करना है आपको। लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में क्या करना है, लास्ट में यह करना है कि आपको वो पढ़ना है जो आपको आता है, यानी उसको पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर आप स्वयं का नुकसान करोगे तो भैया आप पढ़िएगा। बात करते हैं अगर किसी भी दोस्त के बहकावे में अगर आपने ये कहा कि हम ये मॉडल पेपर खरीद लेते हैं, या फिर ये बुक को हम देखते हैं, या फिर नया चैप्टर पढ़ते हैं, अब लास्ट में आपको वो चीजें नहीं पढ़नी है जो आपके दिमाग को यानी स्ट्रेस को बढ़ाएं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप समझने के बजाय जो है रट रहे हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर चीजों को सरसरी निगाह से बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, उसके ऊपर ये देखिएगा कि वो कह क्या रहा है, किसके बारे में कह रहा है, आप अपने शब्दों में उसको कैसे लिख सकते हो। देखिएगा, एक ब्रिलियंट बच्चा वही होता है जो अपने शब्दों को किताब की भाषा में ना लिख कर अपने शब्दों में लिखता है, यानी जांचने वाला बड़ा ही इंप्रेशन जमाता है, यानी इंप्रेशन उसके ऊपर जमाइएगा कि भैया कैसे वो हमें ज्यादा नंबर गेन करे। तो इसलिए याद रखना है, तुम्हारे माइंड से निकले वर्ड उस मेथड को चेंज करो किताबी मेथड को, ठीक है ना। तो याद रखना है किताबी भाषा को भी लिखो और साथ में अपने वर्ड्स लगाओ जिससे कॉपी डेकोरेटेड बने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 3 पर। तो तीसरी जो है हमारी यहां पर मूवमेंट की बात करेंगे, कम नींद आपकी मेमोरी को लेवल को घटाएगा, डिक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करके रखना है कि अगर आपको माता पिता के स्ट्रेस से बचना है। भैया आजकल के माता पिता जो है वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं बेहतरीन करे, मैं मानता हूं, लेकिन इसके बजाय उसको एग्जाम में अगर पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं आप तो निगेटिव नहीं देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, उसको फ्री माइंड रहने दीजिएगा, वो जैसा भी करेगा वो बेहतर करेगा, बस विश्वास रखिएगा, ये पेरेंट्स के लिए है। नींद उसको अच्छी लेने दीजिएगा, ख्याल रखिएगा बच्चा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के बाद चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और आपको कम ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट मेथड पर, क्या करें एग्जाम के दौरान पेपर से पहले। अब पेपर से पहले में एक पॉइंट आता है कि पेपर को करें कैसे, ठीक है। अब पेपर को करें कैसे, मतलब एग्जाम में पहला पॉइंट ये आता है कि कैसे चीजों को लिखें। अब लिखने वाला मेथड सभी को पता नहीं होता है, हमारे कुछ आइडिया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं एक पॉइंट में। अब क्या हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह एक मिथ है कि आप स्टार्टिंग से ही पेपर करें। किसी बच्चे ने या फिर किसी पेरेंट्स ने या फिर किसी अध्यापक ने अगर आपको बताया है कि पेपर को मिलते समय आप स्टार्टिंग 1 से करिएगा, देखिए हर बच्चा इतना ब्रिलियंट नहीं होता है कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जानता हो, ठीक है ना। हो सकता है मे भी कहीं बाहर से रख दिया हो, या फिर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो बच्चे को। तो याद रखिएगा, ऐसा झूठ है ये कि आप पहले से लेकर लास्ट तक करिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा उसका नंबर डालिएगा। याद रखना है कि आपको 2-3 प्रश्न ऐसे चुनने हैं एग्जाम में यानी पहले पेज पर करते समय जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कुछ भी यार, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे करने हैं जो आपको स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पे बहुत अच्छी तरीके से, जो खूब अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, क्लियर। ये बात आप मेरी ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्या लगता है कि भैया अभी मैं बताने वाला हूं, जैसे हम बात करेंगे भी फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन की। जैसे अगर हम बात करें कॉपी की, कॉपी आपको मिलती है, आप क्या करते हो, पहले पेपर आपको मिले, पेपर को देखिएगा सरसरी निगाह से, स्ट्रेस को दूर करिएगा। ये मत कहिएगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, ठीक है। चीजें बिल्कुल आसान तरीके से बड़ा धीमे धीमे क्लियर करिएगा, पीछे झांकना ताकना नहीं है। बात करते हैं एग्जाम हॉल की।
एग्जाम हॉल की अगर हम बात करें तो पेपर की कॉपी आपको मिलेगी, कॉपी अगर मिल गई, आंसर और क्वेश्चन आंसर आप जैसे भी डालते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको डेकोरेटेड कॉपी करने के लिए यहाँ पर भी लाइन कर लेना, यहाँ पर भी लाइन कर लेना है पेजेस में, अगर होती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपको कोई भी पेपर से आप प्रश्न उठाइएगा, उसका आंसर डालिएगा, बीच में डालिएगा और अपना लिख डालिएगा, यहाँ पर बेस्ट लिखना है। अगर कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, अब मतलब क्या है, कोई चीज़ गलत हो गई है स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको नॉर्मल क्या कर देना है, एक लाइन कर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका पहला ही इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, जांचने वाला भी परेशान हो जाए कि बच्चे ने बेहतरीन तरीके से लिखा है, इसको हम नंबर अच्छे देंगे। यानी वो क्वेश्चन आपको पिकअप करने हैं वहां से जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, यानी आप अगर पहला क्वेश्चन नहीं जानते हो तो आप सातवां क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वही क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। क्लियर, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और हम ये दूसरा पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि हर कॉपी के नीचे या छोटे दाएं में या फिर लेफ्ट साइड में आप अपना रोल नंबर जरूर डालें। ये एक मिथ होता है कि रोल नंबर से गलत इंप्रेशन जाता है, तो रोल नंबर से एक चीज हम और आपको बताते हैं, चाहे जिस बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं सभी में 100% यहां पर नहीं होता है कि एक्यूरेसी नहीं होती है कि लोग घपला नहीं कर रहे, बिल्कुल होता है। आपकी कॉपी के पेजेस दूसरे की कॉपी के पेजेस में मिला दी जाती है, याद रखिएगा रोल नंबर हर पेज पे पड़ा होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पेन हम नया लेके जाएंगे तो हम वही पेन यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पेन आप वही यूज करेंगे, सबसे पहले आप खरीदेंगे पेन, उसका ग्रिप देखेंगे कि क्या ग्रिप उसका मजबूत है, आप पकड़ पा रहे हैं क्या, वो इतना स्लिप तो नहीं हो रहा है जिससे कॉपी का राइटिंग मेरा बिगड़ सकता है। मेरे भाई बात कर रही हूं पर पेन के इस्तेमाल की यूजेस की, तो वो पेन यूज करेंगे जो आपने 2 दिन पहले उससे रफ किया है, उसका यूज किया है, यानी वो अब बहुत तेजी से चलता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना। न्यू पेन आपके लिए घातक हो सकता है एग्जाम के समय के लिए, यानी समय बचाने के लिए आपको पहले वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तब क्या करेंगे, अब देखिएगा मेरा मानना है, मैं तो यहां से बहुत सारे लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप हुआ है और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कैसे एग्जामिनर जो है जांचता है, या फिर चीज़ें कैसे जो है एक बच्चे को मार्क्स ज़्यादा मिल सकती हैं। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो भैया अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, पहले आपने कुछ तो पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है, कोई भी लॉ है, फिजिक्स में लॉ है या फिर केमिस्ट्री में लॉ है, उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखिएगा और आंसर ऐसे लिखिएगा, सटीक लिखिएगा, और वो भाषा में लिखिएगा जो राइटिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, और उस भाषा में लिखिएगा एग्जामिनर को भी ना पता चले कि वाकई में लिखा क्या है। यानी अगर आपसे पूछे, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे ना मेरी बात, एग्जामिनर जो पूछता है वो आपको नहीं पता है तो आपको भी ऐसा लिखना है जो एग्जामिनर को नहीं पता है, ऐसा नहीं होता है लेकिन उसको जरूर पता होता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कॉपी में, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है जिससे वाकई में लगे कि हाँ बंदे में कुछ दम है, ठीक है, तो वो नंबर 4 में आपको 3 तो दे ही देगा। क्लियर, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत गोल्डन पॉइंट है। अब हम बात करते हैं यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल, नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर होना चाहिए और टॉप पर चलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका हाई है तो बेहतरीन है, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है तब भी चलेगा, यानी लो नहीं होना चाहिए मेरे भाई, लो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, डरना बिल्कुल नहीं है, आसपास देखकर ही बैठे, एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं, देखकर बैठे हैं और ये देखें कि हमारे पास कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जिससे हमें हाल में यानी एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट, तुम सब कर सकते हो, चीजें बिल्कुल आसान होंगी, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। गुरुजी वर्ल्ड में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप टिकटॉक से कांटेक्ट करेगा, आईडी है guruji9628, लोगो आपके लिए सामने है, यहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वहाँ से आप ले सकते हैं इंस्टा का आईडी और वहाँ पर आप हमें मैसेज करिएगा। लाखों बच्चों के सवाल आते हैं, आपके लिए वीडियो प्रेषित किया है, चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं बेहतरीन करके ही आएंगे, और एग्ज़ाम होने के बाद आप नीचे इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।